बुरहानपुर में जमीनों के सीमांकन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। सीमांकन के दौरान एक महिला और जमीन के मालिक के प्रतिनिधि ने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और उसके चाचा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने पुलिस के सामने ही शिकायत की है। वहीं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। युवक ने कहा है कि शिकायतकर्ता जमीन के मालिक नहीं है। जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जाँच तहसीलदार को सौंप दी है। मेरी ज़मीन है चने के खेत में, तो जब भी मैं मतलब उसका निर्माण करती हूँ तो उबैदुल्ला जो है कांग्रेस अध्यक्ष वो मेरा काम रुकवा देता है गुंडागर्दी करके। क्या बोलता है? बोलता है मेरी ज़मीन है और मेरे पास रजिस्ट्री नामांकन और सब कुछ है, पर वो बार बार आके गुंडागर्दी करता है। और गुंडों को लेके आता है और पुलिस भी भिजवा देता है। पुलिस भी आती है? 5-6 महीने से मैं परेशान हूँ और अभी ने पिछले हफ्ते में भी यही किया है। 7 तारीख को शिकायत की आपने? जी शिकायत की मैंने एसपी को, तो अभी तक इसका कोई ये नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? मैं मेरा मकान बनाना चाहती सर। मैंने बहुत मेहनत के पैसे की जमीन खरीदा है और अब मैं इस पे निर्माण करना चाहती हूँ। पहले तो ये बताइए आपके शिकायत किसने किया? क्या उस जमीन को उस पर नाम है? सरकारी सीमांकन हो रहा है, सरकारी सीमांकन हो जाएगा, सबकी समझ में आ जाएगी जमीन किसकी कहाँ पर है। आप कोई ऐसा बोल रहा है कि इन्होंने दादागिरी करे, तो सब झूठी बात है सब। मैं जिसको नहीं मानता कि वहाँ पर साथ पुलिस भी थी वहाँ पर, ऐसा तो किसी तरह का कोई विवाद तो हुआ नहीं वहाँ पर। महिला कह रही मैं निर्माण करा रही हूँ, मेरा तो नप्ती देखो शासकीय नप्ती का आवेदन दिया हुआ है, नप्ती हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। उसके बाद तो रजिस्ट्री है ना साहब? रजिस्ट्री हम का मना कर रहे जी, हम का मना कर रहे कि रजिस्ट्री नहीं है। निर्माण अपने नप्ती हो जाएगी, पता चल जाएगा। रोके यहाँ पे वो तो सरकारी कोई महकमा रोकेगा ना तो हम रोकने का अधिकार आपको दूँ। देखिए आवेदक मोहम्मद वासिफ जी आए थे, ये कल की ही घटना है, मुझे जब मेरे संज्ञान में आई थी उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी जो नप्ती की गई उसमें रिटायर्ड कोई कर्मचारी आए थे। चूँकि सीमांकन का आदेश सामान्यतया तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है और सीमांकन की पूरी प्रक्रिया तहसीलदार के न्यायालय से ही होती है, ऐसी स्थिति मैंने कल ही जांच के लिए तहसीलदार को भेजा है, वो अपना प्रतिवेदन वहाँ से पुटअप करेंगे, इसकी जांच के लिए मैंने बताया। वो खुद को नायब तहसीलदार भी बता रहे थे, शिकायत ही एक बार जांच में पता चल जाए तहसीलदार उस जांच में क्या